तो दोस्तों मैं प्रदीप साहब, आप देख रहे हैं प्रदीप साहब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सभी राज्यों के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें से आज हमने सभी राज्यों से 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लिया है। जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, पुलिस हो, रेलवे हो, SSC हो, GT हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये हमारा आज का पहला पार्ट है। इसी प्रकार हम पर डे एक एक पार्ट लाते रहेंगे, जिससे कि आपका पूरा करंट अफेयर पूरा हो जाए और आपका क्लियर हो जाए करंट अफेयर। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने स्थानीय लोगों को नौकरियों को आरक्षित करने के लिए निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसका विकल्प ए सही है हमारा, लद्दाख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में बात करेंगे, तो आइए देखते हैं लद्दाख के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा लद्दाख है, प्रशासन ने अपने नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख रोजगार सेवा भारतीय नियम 2021 के तहत विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षण का निर्णय लिया है। तो आप इसके बारे में, लद्दाख के बारे में जान गए होंगे। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इसके तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वयस्कों का 100% टीकाकरण प्राप्त करने का भारत का पहला गांव कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो जो वयस्क लोग हैं उनका 100% जो टीकाकरण हो गया है भारत में, ऐसा कौन सा गांव या राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर है हमारा विकल्प बी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, जम्मू और कश्मीर, यही दो केंद्र शासित राज्य हैं जहाँ पर वयस्कों का 100% टीकाकरण हो चुका है। तो बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन पहले थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। तो जम्मू और कश्मीर के बंदीपुरा ज़िले का बेयान गांव भारत का पहला गांव बन गया है जिसने कोविड 19 के खिलाफ पत्र वायरसों का 70% टीकाकरण प्राप्त किया गया। तो जो हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर लगभग 100% सभी व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। तो बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने स्कूली शिक्षा में राज्य के प्रदर्शन को मापने वाले नवीनतम पीजीआई में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों का ग्रेड किया गया? तो जो ग्रेड प्राप्त किया गया तो कौन सा है राज्य, कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5। तो आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, कौन कौन से राज्य हैं। तो देखते हैं, चंडीगढ़ है, पंजाब है, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार और केरल ने Grade 1++ या Level 2 प्राप्त कर लिया है। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? जो हमारा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021-22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो मध्य प्रदेश 64.1 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है और बाद में उड़ीसा 59.3 का स्कोर है दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। और दूसरे पर कौन है? उड़ीसा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, इसके बारे में बात करेंगे।
तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। जहान ओट वाह टीकाकरण अभियान किस राज्य ने शुरू किया। जो हमारा जहान ओट वाह टीकाकरण अभियान है, इसको किस राज्य ने शुरू किया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली राज्य ने। किसने शुरू किया? दिल्ली। तो बात करेंगे दिल्ली के बारे में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आइए देखते हैं दिल्ली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो दिल्ली है हमारा, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस महीने के भीतर 45 साल के ऊपर के सभी नागरिकों को कोविड-19 के, जो हमारा कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने के लिए जहां वोट वाहन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल ने, जो हमारा हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा इसके केरल के बारे में देख लेते हैं। तो केरल में क्या है, जो केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमिक मिशन शुरू किया है। तो बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने छात्रों के लिए यौन टैब योजना शुरू की है। तो कौन सा ऐसा राज्य है या केंद्रशासित प्रदेश है जहाँ पर यौन टैब योजना शुरू हुई है हाल ही में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख ने। किसने चालू किया है? लद्दाख ने। तो आइए बात करते हैं लद्दाख के बारे में। तो आइए देखते हैं, तो जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख के उपराज्यपाल आर के, जो हमारे लद्दाख है इसके उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर हैं। इन्होंने छात्रों के लिए यौन टैब योजना शुरू की है। तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने ऑक्सी वाइन बनाने का निर्णय लिया। तो किसने लिया है? हरियाणा सरकार ने। किसने लिया है? हरियाणा सरकार ने हमारा ऑक्सी वाइन बनाने का निर्णय लिया है। तो बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसके पहले देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा के बारे में देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि राज्य लोगों के आने जाने के लिए करनाल, जो है हमारा करनाल जिले में 80 एकड़ में फैली एक ऑक्सी वैन बनाया गया, जो हमारा 80 एकड़ में फैली हुई एक ऑक्सी रेखन बनाया गया। तो जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? महान मनोहर लाल खट्टर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, नीति आयोग के SDG इंडिका और इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में किस राज्य को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है। तो जो हमारा नीति आयोग के SDG इंडिका है, ओकर इंडेक्स 2021 और 22 में किस संकरण के द्वारा सबसे खराब किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार को सबसे खराब माना गया है। तो बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है SDG के लिए सूचकांक सामाजिक, जो है सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कोई भी एग्जाम हो, SSC रेलवे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीति आयोग के SDG इंडिका इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष रैंक बरकरार रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो केरल है हमारा, इसने अभी तक
2021 वर्ष में शीर्ष रैंक बरकरार अभी तक रखा हुआ है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। तो बात करते हैं केरल की तरफ, थोड़ा देख लेते हैं जो हमारा केरल है। केरल के नीति आयोग के SDG इंडिका इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है केरल ने, और केरल ने 75 के स्कोर के साथ शीर्ष राज्य के रूप में अपनी रैंक बरकरार रखी है। तो ये हमारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो गए हैं। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आराम से आप वीडियो को देख सकें। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना न भूलें। चलते मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। थैंक यू।